नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज 69। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भोपाल नगर निगम के बजट को लेकर बुलाई गई बैठक के दौरान खासा हंगामा देखने को मिला। इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आसंदी का घेराव भी किया। बीजेपी ने इस आरोप का पुरजोर जवाब दिया। दोनों पक्षों के बीच बहस हंगामे और शोर शराबे में बदल गई। दरअसल बैठक शुरू होते ही कांग्रेस पार्षद शिनेन खान ने सवाल उठाया कि हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कितनी राशि के राष्ट्रीय ध्वज नगर निगम द्वारा लगाए गए हैं। इसका जवाब देते हुए सुषमा वबीसा ने बताया कि लगभग 1,70,00,000 के झंडे नगर निगम द्वारा सारे वार्डो में लगाए गए। इस काम में गोलमाल का आरोप लगते ही हंगामा शुरू हो गया। पार्षद से एक ही बात जानना चाहती हूँ कि ये जो प्रश्न लगाते हैं, ये प्रश्न हमें जो लगाना चाहिए वो हमारे वार्ड में विकास नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, इस तरह के प्रश्न लगाना चाहिए। थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था कि ये जो प्रश्न लगते हैं, उन प्रश्नों से तो ये लगता है कि हम कहीं ना कहीं अधिकारियों पे दबाव बनाने के लिए प्रश्न लगाते हैं। यदि हमें ये जानकारी चाहिए है तो निगम की जगह RTI के तहत हम जानकारी लें, और फिर वो बोलती हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा। तो भाई, भ्रष्टाचार की सीमा क्या है? हम जांच करवाना चाहते हैं, निश्चित ही प्रश्न लगाइए, लेकिन उसकी एक सीमा तो रखें। किसी अभी यदि आप हमारी जितनी भी परिषद हुई है सभी के प्रश्नों को उठाकर देंगे, किसी ने भोपाल के विकास के लिए एक भी प्रश्न नहीं उठाया। यदि प्रश्न उठाए हैं तो केवल अधिकारियों पे दबाव बनाने के लिए उठाए। लगातार आप यही बात करी है अधिकारियों के दबाव में, तो क्या अधिकारी कहीं ना कहीं भ्रष्ट से जुड़े हुए हैं? अब वो पार्षद जो प्रश्न लगा रही है वो बहुत बता सकती है। पिंचिये खरीदना और 1,00,00,000 के झंडे खरीदना, ये संभव है? बाद में कहेंगे हमसे गलती हो गई और हम सही जवाब नहीं दे पाए, फिर महापौर अध्यक्ष ने भी हमको मतलब कहा कि आप अपना तथ्य जो है सही ढंग से बता नहीं पा रहे, तो ये MIC मेंबरों की ये स्थिति है। इसी के साथ साथ जो बजट पेश किया है, बजट के अंदर जो प्रावधान दिए गए उसमें आम जनता का ख्याल ही नहीं रखा गया। आम जो डूब वाले इलाके हैं जहाँ बाढ़ आती है, उन इलाकों के अंदर नाला नालियों के निर्माण के लिए कोई पैसे का प्रावधान नहीं किया गया, जबकि हर साल बाढ़ आती है। अपने 3 तालाब बनेंगे भोपाल में, जो मुंशीसन काम होती है तालाब, ये 3 तालाब है, उन तालाब की पिछली बारिश में बाढ़ टूट गई, आज तक टूटी हुई है। वहाँ मतलब ये है कि कभी भी दुर्घटना हो जाएगी, लोग उसमें तालाब में गिर जाएंगे, मुंशीसन का उसके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं किया गया। और जो पहले फाइल बनी थी और उसके लिए उन्होंने कहा था कि हम इसको निर्माण कार्य करेंगे बाढ़ का, वो बाढ़ का निर्माण भी नहीं हुआ, ठेकेदार भाग गया, तो ये स्थिति झील संरक्षण की है ये नगर निगम। और उसमें बहुत सा भ्रष्टाचार था, कल मैं अवलोकन करने भी गई वहाँ पर, आप देख सकते हैं कि आपने भी सुना होगा सदन में जो MIC मेंबर हैं वो 2,00,00,000 कुछ की पिंचियों के उन्होंने राशि बताई। तो इतना भ्रष्टाचार चल रहा है यहाँ पे, हमें व्यवस्था देनी चाहिए। अध्यक्ष जी को भी पूरा सदन में सबके सामने उन्होंने MIC मेंबर में 2,00,00,000 की पिंचियाँ बता दी, कभी 3,00,00,000 का ये लोग नाश्ता कर लेते हैं, कभी 2,00,00,000 की पिंचियों के मामले में उनका वो आता है। तो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो है वो ऐसे बर्बाद हो रहा है, भ्रष्टाचार में जा रहा है, तो उसके लिए उनको व्यवस्था देनी चाहिए तुम लोगों को। लेकिन उनका कहना है कि वार्ड को छोड़ के दूसरे मुद्दों पे सिर्फ अधिकारियों के दबाव बनाने के लिए करते हैं। नहीं, ये तो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है भैया, अभियान चल रहा था, और आप ये कह रहे हैं कि गरीब जनता ने, पहली बात तो उसको विक्रय नहीं करना चाहिए था, उसको विक्रय किया गया, और उसका जो पैसा है गरीब जनता ने पैसे में खरीद कर उसको अपने घर पे झंडा जो है फहराया। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो एक राजनीतिक रैली में फ्री झंडे दिए गए, तो अगर आप हर घर तिरंगा अभियान चला रहे हैं तो मेरा मानना है कि जो राजनीतिक रैलियों में आपने झंडे दिए थे वो भी विक्रय किए जाने चाहिए थे। गरीबों से ही क्यों लिया जा रहा है पैसा, गरीबों के ऊपर ही क्यों पूरा बोझ डाला जा रहा है? टैक्स आप गरीबों से वसूल रहे हैं और हमारे विकास के कार्य करा नहीं रहे। बजट बुक में देखिए आप, हमारे जितने भी प्रस्ताव थे उसमें से एक भी नहीं लिया गया, तो हमारे पूरे एरिया से टैक्स पूरा बराबर वसूला जा रहा है। और काम विकास की बात करें तो फिर एक ही विधानसभा में काम होता है। पार्षदों की कितनी राशि विस्थापित हुई है, पार्षद संतुष्ट हैं? 25-25 लाख जो है राशि, महापौर जी ने बताया कि हर पार्षद को 25 लाख रुपए राशि दी जाएगी विकास कार्यों के लिए। उससे हटके जो बजट के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव दिए थे उसमें हम सभी में से किसी एक का भी प्रस्ताव जो है वो शामिल नहीं किया गया बजट। ठीक। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।